उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है। कांग्रेस ने 40% महिलाओं को टिकट देने की बात कही है। कांग्रेस की महासचिव व यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। साथ ही यूपी चुनाव के लिए पार्टी का नया नारा भी आ गया है। कांग्रेस का नया नारा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। प्रियंका ने कहा कि यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस पार्टी अपनी कुल टिकटों में से 40% महिलाओं को देगी। यह निर्णय प्रदेश की हर उस महिला के लिए है जो न्याय चाहती है, बदलाव चाहती है। आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। हमारी प्रतिज्ञा है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से भागीदार होंगी। ये निर्णय उत्तर प्रदेश की हर एक महिला के लिए है जो बदलाव चाहती है, जो न्याय चाहती है, जो एकता चाहती है, जो चाहती है कि आगे बढ़े उसका प्रदेश। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, आप समाज सेविका हैं, आप अध्यापक हैं, आप एक नौजवान महिला हैं जो आप अपना भविष्य बनाना चाहती हैं, आप प्रेस में हैं, अगर आप बदलाव चाहती हैं तो इंतजार मत करिए। आपकी सुरक्षा कोई नहीं करने वाला, सब बातें करते हैं, सुरक्षा करने का जब समय आता है तो सुरक्षा उनकी होती है जो आपको कुचलते हैं। प्रियंका ने इसी के साथ यूपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आज प्रदेश में नफरत का बोलबाला है। प्रियंका ने महिलाओं से आह्वान करते हुए कहा कि राजनीति में आइए, आगे आइए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का आवेदन खुला रहेगा, आप आगे आइए, मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलिए। देश को समता की राजनीति की ओर ले जाना है, भागीदारी की राजनीति की ओर ले जाना है तो महिलाओं को आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको खुद ये काम करना पड़ेगा। आगे बढ़िए, मैं आग्रह करती हूँ आपसे। हमने आवेदन पत्र मांगे हुए हैं हर विधानसभा के लिए, ये अगले महीने की 15 तारीख तक खुला रहेगा, खास तौर से मेरी बहनों के लिए। जो लड़ना चाहता है आओ मेरे पास आओ, आपको मौका मिलेगा। हम इस देश की राजनीति, इस प्रदेश की राजनीति बदलेंगे। प्रियंका गांधी ने कहा कि ये एक शुरुआत है, आने वाले समय में यह प्रतिशत बढ़ सकता है। या पूछे जाने पर कि क्या कांग्रेस को इतने उम्मीदवार मिल पाएंगे, इस पर प्रियंका ने कहा कि हम अपने प्रत्याशियों को पूरी मदद करेंगे, वो जरूर जीतेंगी। देखिए, हमें प्रत्याशी मिलेंगी, लड़ेंगी वो, अगर इस बार मजबूत नहीं होंगी अगली बार मजबूत होंगी। हमें लड़ाना है, हम पूरी तरह से मदद करेंगे, समर्थन करेंगे और लड़ेंगे जी जान से। बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में राज्य में सियासत गरमाई हुई है और कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी चुनाव से पहले पूरी तरह से मैदान पर उतर पड़ी हैं। वो लगातार यूपी सरकार पर हमला बोल रही हैं और कांग्रेस को आगे ले जाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। यूपी के आगरा में कथित तौर पर पुलिस हिरासत में वाल्मीकि समाज के एक युवक की मौत के बाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। युवक के परिवार से मिलने जा रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को आगरा में एक्सप्रेसवे पर हिरासत में ले लिया गया। आरोप है कि अरुण कुमार नाम के सफाई कर्मी की पुलिस हिरासत में पिटाई से मौत हुई है। वाल्मीकि समाज से जुड़े अरुण कुमार को पुलिस ने चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया था। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्विटर पर लिखा, अरुण वाल्मीकि की मृत्यु पुलिस हिरासत में हुई, उनका परिवार न्याय मांग रहा है। मैं परिवार से मिलने जाना चाहती हूं। यूपी सरकार को डर किस बात का है, क्यों मुझे रोका जा रहा है। आज भगवान वाल्मीकि जयंती है, पीएम ने महात्मा बुद्ध पर बड़ी बातें की लेकिन उनके संदेशों पर हमला कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने हिरासत के दौरान यूपी पुलिस से ये सवाल भी पूछा कि वो आगरा आखिर जा क्यों नहीं सकती हैं, उन्हें कहीं भी जाने के लिए अब इजाजत क्यों लेनी पड़ेगी। मुझे किसी को परमिशन चाहिए क्या? नहीं, जो हम लोग बताएंगे।
सर थोड़ा सा दूर है जो व्हाट्सएप मतलब ये तो बहुत हो गई है तो मैं कहीं जा नहीं सकती नहीं मैं लखनऊ के रेस्ट हाउस में रहूं आप लोगों को कुछ करने के लिए। कांग्रेस ने भी इस पर पलटवार किया है। कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा, भाजपा की तानाशाही हुकूमत की पुलिस द्वारा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को हिरासत में लेना निंदनीय है, संवैधानिक अधिकारों का हनन है, लेकिन भाजपाई हुकूमत हिरासत में लेकर हमारे हौसलों को नहीं तोड़ पाएगी। हम अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई को जारी रखेंगे। बता दें, प्रियंका गांधी वाड्रा ने पहले ही इस मामले में जाँच की मांग करते हुए कहा, किसी को पुलिस कस्टडी में पीट पीट कर मार देना कहां का न्याय है। आगरा पुलिस कस्टडी में अरुण वाल्मीकि की मौत की घटना निंदनीय है। भगवान वाल्मीकि जयंती के दिन उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके संदेशों के खिलाफ काम किया है। उच्च स्तरीय जांच व पुलिस वालों पर कार्रवाई हो व पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले। इन सब के बीच प्रियंका गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आगरा चौक पर प्रियंका गांधी महिला पुलिसकर्मी संग सेल्फी क्लिक करते हुए नजर आ रही हैं। पुलिसकर्मी कांग्रेस के नए नारे लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की तारीफ करते हुए भी नजर आए। इस पर भी कांग्रेस ने मौका ना गवाते हुए कहा, प्रियंका गांधी के साथ महिला पुलिसकर्मियों की तस्वीर बयां कर रही है कि नारी शक्ति को भरोसा है, विश्वास है। हम नारी शक्ति को सशक्त बनाएंगे, हम नारी शक्ति को अधिकार दिलाएंगे। बता दें कि यूपी में चुनाव अगले साल हैं, लेकिन यूपी का सियासी तापमान इस महीने की शुरुआत से ही चढ़ा हुआ है। पहले लखीमपुर खीरी में कांग्रेस ने जमकर यूपी सरकार पर हमला बोला और अब ये मामला। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने गवाहों के बयान दर्ज करने में देरी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पर असंतोष जताया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि सरकार ऐसी छवि ना दे कि वह अपने पैर पीछे खींच रही है। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमणा, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की अध्यक्षता वाली पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार के वकील से कहा, आप मामले में टाल मटोल कर रहे हैं, कृपया उस धारणा को दूर करें। यूपी सरकार की तरफ से स्टेटस रिपोर्ट देर से दाखिल होने पर भी चीफ जस्टिस एनवी रमणा ने नाराजगी जताई। तीन जजों की बेंच की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस रमणा ने कहा कि कल व देर शाम तक इस रिपोर्ट का इंतजार करते रहे, इस तरह सुनवाई से ठीक पहले रिपोर्ट देना गलत है। बेंच ने सवाल किया कि अब तक गवाहों के बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज क्यों नहीं हुए हैं। हरीश सालवे ने दशहरा की छुट्टी के चलते कोर्ट बंद होने का इस बात का हवाला दिया। पीठ ने आगे सवाल किया, दशहरा की छुट्टी के लिए आपराधिक अदालतें बंद हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, यह एक अंतहीन कहानी नहीं होनी चाहिए, बस यही हम चाहते हैं। यूपी सरकार के वकील सालवे ने कहा कि कोर्ट उन्हें एक सप्ताह का समय दे, तब तक इन कमियों को दूर कर लेंगे। इस पर जजों ने 26 अक्टूबर को अगली सुनवाई की बात कही। आज हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने 10 आरोपियों की गिरफ्तारी और 44 गवाहों की पहचान की बात कही। उत्तर प्रदेश में कुछ ही महीनों में चुनाव होने हैं और उससे पहले यूपी को प्रधानमंत्री मोदी ने आज बड़ी सौगात दी। प्रधानमंत्री ने बुधवार को कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान कहा, भारत बौद्ध समाज की आस्था श्रद्धा का केंद्र है। आज कुशीनगर दुनिया से जुड़ गया है। कुशीनगर हवाई अड्डा सिर्फ एयर कनेक्टिविटी के लिहाज से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसे किसान, पशुपालक, दुकानदार, स्थानीय उद्योगपति जैसे कई लोगों को लाभ मिलेगा। पर्यटन में असीमित वृद्धि होगी। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ एयर कनेक्टिविटी का ही एक माध्यम नहीं बनेगा, बल्कि इसके बनने से किसान हो, पशुपालक हो, दुकानदार हो, श्रमिक हो, यहां के उद्यमी हो, सभी को इसका सीधा सीधा लाभ मिलता ही है।
इससे व्यापार कारोबार का एक पूरा इकोसिस्टम यहां विकसित होगा। सबसे ज्यादा लाभ यहां के टूरिज्म को, ट्रैवल टैक्सी वालों को, होटल रेस्टोरेंट जैसे छोटे मोटे बिजनेस वालों को भी होने वाला है। इससे इस क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार के भी अनेक नए अवसर बनेंगे। प्रधानमंत्री ने इसी के साथ ये भी कहा कि कुशीनगर का विकास यूपी सरकार और केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में है। उड़ान योजना के तहत बीते कुछ सालों में 900 से अधिक नए रूट्स को स्वीकृति दी जा चुकी है। इनमें से 350 से अधिक पर हवाई सेवा शुरू भी हो चुकी है। कुशीनगर का विकास यूपी सरकार और केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में है। देश ने उन लोगों तक, उन क्षेत्रों तक पहुंचाने पर जोर दिया गया है जिन्होंने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं था। इसी लक्ष्य के साथ शुरू की गई उड़ान योजना को 4 साल पूरे होने आ रहे हैं। उड़ान योजना के तहत बीते सालों में 900 से अधिक नए रूट्स को स्वीकृति दी जा चुकी है। इनमें से 350 से अधिक पर हवाई सेवा शुरू भी हो चुकी है। 50 से अधिक नए एयरपोर्ट या जो पहले सेवा में नहीं थे उनको चालू किया जा चुका है। आने वाले 3-4 सालों में कोशिश ये है कि देश में 200 से अधिक एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट और सी प्लेन की सेवा देने वाले वाटर ड्रोम का नेटवर्क भी देश में तैयार हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस सौगात के बाद प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। और आज ये हम सबका सौभाग्य है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश जो आजादी के बाद से लगातार उपेक्षित था, उस पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की एक नई उड़ान को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद और उनका सानिध्य पूर्वी उत्तर प्रदेश के 5 करोड़ से अधिक नागरिकों को प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर मैं तथागत भगवान बुद्ध की इस पावन धरती पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपको बता दें कि यह हवाई अड्डा 260 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया गया है। हवाई अड्डे का निर्माण दुनिया को इस बौद्ध तीर्थ स्थल से जोड़ने की कोशिश के तहत किया गया है। यह हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश और बिहार के निकटवर्ती जिलों के लिए लाभकारी होगा। एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी महापरिनिर्वाण मंदिर भी पहुंचे। कहा जाता है कि बुद्ध ने इसी स्थान को मोक्ष के लिए चुना था। यहां पीएम मोदी ने अभिधम्म दिवस पर आयोजित एक समारोह में भी हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कुशीनगर में बोधि वृक्ष का पौधा भी लगाया। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।